अगर किसी जगह पे आग लग जाती है तो रिसेप्शन के नीचे, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसके रिसेप्शन के नीचे बैठे हुए बंदे को कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे कहाँ पे आग लग गई है? तो उसको ये बताएगी ये डिवाइस, ये होती है वाटर फ्लो डिटेक्टर डिवाइस, जिसको फ्लो स्विच भी बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इस कंपनी का है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, और इसका ये आप देख रहे हैं नीचे फंक्शन है, इसके ऊपर एक एरो बनना होगा। ये आप देख रहे हैं ये एरो बनना होगा, ये पानी इधर से इस साइड पे आएगा, ये किसी पाइप के ऊपर, ये 4 इंच का है तो 4 इंच के पाइप के ऊपर ये ऐसे लगे हुए, ये मुख्तलिफ डाई में आता है। तो जब पानी का फ्लो होगा, पानी बहना शुरू होगा, तो ये यहाँ से प्रेस होगा इधर, तो इसका स्विच ऑन हो जाएगा, और इसका जो सिग्नल होता है होगा वो जो फायर पैनल लगा होगा जहाँ जिस जगह पे भी, अमूमी तौर पर वो रिसेप्शन के करीब होता है कि रिसेप्शन पे कोई ना कोई बंदा मौजूद होता है, या सिक्योरिटी गार्ड होता है जो बड़ी बिल्डिंग के उनके कमरे में लगा होता है। तो वहाँ पर फायर पैनल के ज़रिए ये सिग्नल जाएगा और उनको पता चल जाएगा कि इस जोन में आग लग गई है, क्योंकि ये तकरीबन जोन कंट्रोल के साथ ही लगता है, तो वहाँ पे सिग्नल जाता है, वहाँ पे सारा डेटा सेव होता है। तो बाकी ये इसके साथ ये चीज़ है, ये इसका डेटा वगैरह दिया गया है, इसको कैसे फिट करना है ये आप देख रहे हैं पेज पे। तो इसको लगाने के लिए पैप के ऊपर होल कर लेते हैं, ये इसकी गैसकेट है, ये रबड़ होती है, ये इसके अंदर इस साइड पर बैठ जाती है, यहाँ पे इस जगह पे बैठ जाती है, और ये हॉल के ऊपर रख दिया जाता है, और इसका जो क्लैंप होता है, जो क्लैंप इस तरह का क्लैंप होता है, वो इसके ऊपर टाइट कर देते हैं, तो पानी का लीक वगैरह नहीं होता यहाँ से। और ये इस तरह मज़ीद डिटेलिंग के लिए इसको कैसे फिट करना है, ये जो इलेक्ट्रिकल के कनेक्शन करना है किस तरह करना है, तो ये मज़ीद डिटेल है। तो ये इसका फंक्शन होता है, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जब अगर पानी का बहाव शुरू होगा फायर की लाइन में, तो इसने सिग्नल देना है फायर पैनल को, तो वहाँ पे सायरन बजना शुरू हो जाना है, तो पता चल जाएगा कि आग लग गई है कहीं पे, या फायर सिग्नल फट गया है, किसी ने फायर कैबिनेट को चला दिया है, इस तरह का सिग्नल आप चाहे।